स्टार्ट हो गया यूट्यूब। ओके, सो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एसएसबी एससी के बारे में, सिंगल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड करियर, उसके अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करना है तो क्या रूल है, लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट करना है तो क्या। नाउ दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ वाईटी। ये क्वेश्चन दिया है रिलेटेड टू द एसएसबी एससी, लेकिन इस क्वेश्चन में बैंडविड्थ एफसी नहीं दी है, मतलब आपके पास जो करियर है उसका फ्रीक्वेंसी भी है बी हर्ट्स, और जो बैंड लिमिटेड सिग्नल दिया है एमटी, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है एम ऑफ एफ की बैंडविड्थ भी दी है आपको बी हर्ट्स। बैंडविड्थ ऑफ एम ऑफ एफ इज बी हर्ट्स। आपको क्या करना है कि इफ माय एमटी मैसेज सिग्नल और यू कैन से द बेसबैंड सिग्नल इज पास थ्रू दिस प्रोसेस, बेसबैंड सिग्नल इस पूरी प्रोसेस से अगर पास होगा तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट, आउटपुट का एक्सप्रेशन कितना कैसा होगा। आपको ड्रॉ करना है द स्पेक्ट्रम ऑफ वाई ऑफ एफ, आपको ड्रॉ करना है द स्पेक्ट्रम ऑफ वाई ऑफ एफ। इफ एम टी इज पास थ्रू कॉस ऑफ 2π bt एंड अ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एंड अ साइन ऑफ 2π bt, देन रिजल्टेंट ऑफ दिस टू सिग्नल विल बी एडिशन एंड गिव्स वाई टी, देन वॉट विल बी द स्पेक्ट्रम ऑफ वाई ऑफ एफ। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ वाई टी इज द इक्वेशन ऑफ SSB SC। किसका इक्वेशन है? SSB SC का इक्वेशन है। इसका स्पेक्ट्रम बनाना है। दिस इज गेट 2009 टू मार्क क्वेश्चन। चलो बताएं, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना कल हमने सीखा है, तो बताएं इसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाई टी, इसके जो आउटपुट पे मिला है उस आउटपुट का स्पेक्ट्रम कितना होगा। जरा देखे देखो कैसे करेंगे इसको। यहां जो मुझे yt का एक्सप्रेशन मिलेगा, द एक्सप्रेशन ऑफ yt कैन बी गिवन एज mt दिस सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 2π bt एंड दिस इज हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, सो यू कैन से दिस इज प्लस एम एच ऑफ टी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इंटू साइन ऑफ 2π bt, दिस इज साइन ऑफ 2π bt एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सिग्नल। अब इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम कितना होगा जरा इसको भी सुन ले। अगर मेरे पास एम ऑफ एफ दिया हुआ है तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कितना होगा इसका, आपको पता है
कि एम एच ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एम ऑफ एफ दिस रेशियो इज इक्वलेंट टू माइनस आयोटा सिग्नम ऑफ एफ. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रेटर देन जीरो फ्रीक्वेंसी को अगर माइनस जे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लेस देन जीरो फ्रीक्वेंसी को प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आई कैन गेट द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सप्रेशन फॉर एम एच ऑफ ओमेगा. सो कैन आई से द एम एच ऑफ ओमेगा फॉर दिस फंक्शन इज गिवन बाय एम एच ऑफ ओमेगा फॉर दिस फंक्शन. लेट मी राइट, दिस इज हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, द स्पेक्ट्रम ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म. द फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन जीरो इच इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा, एंड फ्रीक्वेंसी विच इज लेस देन जीरो इज मल्टीप्लाइड बाय प्लस आयोटा. क्या यहां तक बात आपको समझ में आई कि जो फ्रीक्वेंसी जीरो से बड़ी है उसको आपने माइनस जे से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो फ्रीक्वेंसी जीरो से छोटी थी उसको प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब मुझे मिल चुका है अ सिग्नल एंड इट्स अ फूरियर ट्रांसफॉर्म. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मुझे इसका स्पेक्ट्रम बनाना है. चलो बना लेते हैं इसका स्पेक्ट्रम. व्हाट विल बी द वाई ऑफ एफ? कैन आई से द वाई ऑफ एफ फॉर द गिवन सिग्नल इज एम ऑफ एफ कन्वोल्यूशन विथ द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2 पाई बी टी, और कॉस 2 पाई बी टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा? ई टू द पावर जे 2 पाई बी टी. सो यू कैन से इट इज डेल ऑफ एफ माइनस बी प्लस 1 बाय 2 डेल ऑफ एफ प्लस बी. एंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो एम टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, एम टी नहीं है, कितना ये एम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी. सो एम एच ऑफ एफ, और आई कैन राइट दिस हियर, दिस इज इन एडिशन विथ एम एच ऑफ एफ, एंड दिस इन कन्वोल्यूशन विथ साइन, एंड साइन विल गिव यू व्हाट इट इज 1 by 2 j del of f minus b minus 1 by 2 j del of f plus b. अगर आप ऐसा नहीं भी बनाना चाहे, डायरेक्ट भी ड्रॉ करना चाहे, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो भी कर सकते हैं आप. अब आपको पता है कि किसी सिग्नल का अगर आपने कन्वोल्यूशन किया है इंपल्स के साथ, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? The m of f convolution with 1 by 2 del of f minus b is m of f minus b. So can I say the spectrum of y of f, the spectrum of y of f will be, this is equivalent to 1 by 2 m of this term f minus b plus 1 by 2 m of f plus b plus this term is m h of f minus b divided by 2 iota, and minus the convolution of this two term can be written as m h of f plus b divided by 2 iota. ye mere paas kya bana? this is the spectrum of द सिग्नल, द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो उस पूरे सिस्टम के आउटपुट में जो मिलेगा वाई टी, उसका वाई ऑफ एफ कुछ आपको मैथमेटिकली ऐसा दिखेगा. अब इसको हम बना लेते हैं कि ये किस टाइप का सिग्नल है. देखो जरा, एम ऑफ एफ विल लुक्स लाइक दिस, एंड वन सिग्नल वी आर हैविंग. So we are having two signal. One signal is m h of f. This is b. This is minus b. This is minus iota. This is iota. This is b and this is minus b. चलो बनाते हैं.
पहला सिग्नल कौन सा है? द फर्स्ट सिग्नल इज दिस. मैं यहां स्पेक्ट्रम बनाता हूं, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं इसको. यस, एंड नाउ लेट्स ड्रॉ द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा जरा आप यहां समझ लें. लेट्स ड्रॉ द स्पेक्ट्रम. फर्स्ट सिग्नल एम ऑफ एफ माइनस बी. तो अगर आपने पहले सिग्नल को कितने से शिफ्ट किया है? प्लस बी से शिफ्ट किया है. तो प्लस बी से शिफ्ट करने पे ये कितना हो जाएगा? जीरो. और ये हो जाएगा टू बी. सो यू कैन से द फर्स्ट सिग्नल विल बी जीरो टू टू बी. ये पहला सिग्नल आ गया मेरे पास. और इसी सिग्नल को एक बार आपने प्लस बी पे शिफ्ट किया और वन बाई टू कर दिया, फाइन. इसी सिग्नल को एक बार माइनस बी पे शिफ्ट किया तो ये कितना हो जाएगा? जीरो. सो यू कैन से द सेकेंड सिग्नल विल बी दिस जीरो एंड दिस पॉइंट विल बी माइनस बी. सो कैन आई से द फर्स्ट टर्म इज क्लियर? दिस पॉइंट इज, दिस टू पॉइंट्स आर, दिस टू पॉइंट्स आर टू बी, बी जीरो माइनस बी माइनस टू बी. ये कौन सा सिग्नल ड्रॉ किया है? फर्स्ट सिग्नल ड्रॉ किया है. एंड दिस इज वन बाई टू, दिस इज वन बाई टू. ठीक है, चलो सेकेंड सिग्नल ड्रॉ करते हैं. सेकेंड सिग्नल क्या है? द सेकेंड सिग्नल इज दिस. सेकेंड सिग्नल कौन सा है? सेकेंड सिग्नल है ये. इसको भी ड्रॉ करते हैं, दोनों को एड ही तो करना है, तो चलो कर देते हैं एड. द सेकेंड सिग्नल इज दिस. तो पहला सिग्नल है एम ऑफ एफ माइनस बी. अगर इसको प्लस बी से शिफ्ट किया है तो ये कितना आ जाएगा? जीरो. और ये हो जाएगा टू बी. मीन्स सिग्नल विल लुक्स लाइक सेम. देखो मैं प्रोजेक्शंस ले लेता हूं इसके. दिस सिग्नल विल लुक्स लाइक दिस. चल, फर्स्ट सिग्नल इज F माइनस बी. अगर इसको माइनस बी से शिफ्ट किया तो पूरे स्पेक्ट्रम को बी से शिफ्ट करना है तो कितना हो जाएगा? दिस इज जीरो. लेट मी सिलेक्ट डार्क पेन. दिस विल बी जीरो बी एंड दिस इज टू बी. अब बी से शिफ्ट करने के बाद इसको वन बाई टू जे से डिवाइड करना है. तो अभी कितना है? अभी यहां है जे, यहां है माइनस टू जे. और इसको अगर 1 बाई टू जे से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1 बाई टू जे, 1 बाई टू जे. तो ये हो जाएगा 1 बाई टू और दूसरा हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई टू. कोई परेशानी नहीं, नेगेटिव साइड आ जाते हैं. दूसरा सिग्नल कौन सा ड्रॉ करना है? इसको माइनस बी से शिफ्ट करना है. इसको माइनस बी से शिफ्ट किया तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? जीरो. ये हो जाएगा माइनस टू बी. सो कैन आई से द अनदर पार्ट विल बी माइनस बी एंड दिस इज माइनस टू बी. अब जो भी सिग्नल था उसको मुझे कितने से डिवाइड करना है? माइनस वन बाई टू जे से डिवाइड करना है. तो माइनस वन बाई टू जे से इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी वन बाई टू, दिस विल बी माइनस वन बाई टू. तो दिस विल बी माइनस वन बाई टू और ये हो जाएगा वन बाई टू. और ऊपर देखें तो ये भी वन बाई टू, ये भी वन बाई टू, ये भी वन बाई टू एंड ये भी वन बाई टू. आपने क्या किया? इन दोनों सिग्नल को मैंने, ये दोनों पार्ट एक साथ बनाए हैं, ये दोनों एक साथ बनाए हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने चारों को ऐड किया है. अगर आपने इन चारों सिग्नल्स को ऐड किया है तो व्हाट यू कैन से? यू कैन से दैट दिस प्लस वन बाय टू एंड माइनस वन बाय टू कैंसल, दिस प्लस वन बाय टू एंड दिस इज माइनस वन बाय टू कैंसल. सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग सिग्नल? द रिमेनिंग सिग्नल विल लुक्स लाइक दिस. रिमेनिंग सिग्नल कैसा दिखेगा? रिमेनिंग सिग्नल विल लुक्स लाइक दिस. जो मैंने बनाया है किससे? जो बनाया है मैंने ग्रीन पेन से. अब आप देखो, कल मैंने आपको स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना सिखाया था. अगर आपने सीख लिया तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं. और चार ऑप्शन में ये भी बना हुआ था. क्या ये बात आपको समझ में आई कि जो ग्रीन पेन से दिखता है बना हुआ वो आपका कौन सा सिग्नल है? यू कैन से योर सिग्नल विल लुक्स लाइक दिस. You can say your signal will
लुक्स लाइक दिस, यहां बना देता हूं मैं, योर सिग्नल विल लुक्स लाइक दिस। And can I say this is 0, this is B, this is minus B. तो ये वो सिग्नल है जो इस ऑपरेशन से आपको मिलेगा, और ऑपरेशन कौन सा था? The operation is this. ये है आपका ऑपरेशन कि एक सिग्नल है उसको cos of 2 by BT से पास किया है। तो ये सिग्नल कैसा हो सकता था? एक ऑप्शन इसमें कैसा होगा, एक ऑप्शन इसमें ये भी होगा। देखो एक ऑप्शन की अगर आप इसको लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, दिस लुक्स लाइक सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का हायर साइड बैंड का ट्रांसमिशन जैसा दिखता है। तो ऑफ कोर्स इसमें एक ऑप्शन आपको कैसा दिखेगा, एक ऑप्शन आपको ऐसा भी दिखेगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर को गो थ्रू करेंगे तो आपको बताने के लिए उसने एक ऑप्शन ऐसा भी दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। आप देखें कि जिस सिग्नल का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो करियर नहीं है, वो तो बेसबैंड सिग्नल की टोन का ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन में होगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? तो केवल देख के जवाब ना दें इसको, आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। इज इट ओके? इज इट ओके आयुषी, तोयेश, क्या ये बात समझ में आई? यस, चलो यस आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एनवलप एंड कॉम्प्लेक्स एनवलप, है ना, बहुत ही पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट। प्री एनवलप एंड कॉम्प्लेक्स एनवलप, चलो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। प्री एनवलप एंड कॉम्प्लेक्स एनवलप, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एनवलप एंड कॉन्सेप्ट एंड कॉम्प्लेक्स एनवलप। अब इन दोनों का मतलब समझें आप कि प्री एनवलप और कॉम्प्लेक्स एनवलप का क्या मतलब हुआ, है ना। अगर एक बार इसका मतलब समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए लेस कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जरा सुने, वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्री एनवलप, के किसी पासबैंड का। अब पासबैंड का मतलब हम क्या समझ चुके हैं, द मीनिंग ऑफ पासबैंड इज स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल इन मॉड्यूलेशन, कि अगर किसी सिग्नल को आपने मॉड्यूलेट कर दिया है तो जो एफसी पे सेंटर्ड स्पेक्ट्रम है, हाउ दैट स्पेक्ट्रम लुक्स लाइक, उसको क्या बोलते हैं हम, पासबैंड। देखो मैं एक बात बता देता हूं आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पासबैंड। जैसे अगर आपने बोला कि आई हैव द बेसबैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, तो आप ये समझें कि ये है बेसबैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, है ना, प्लस बी, ओके प्लस एफ एम, वाई आई एम राइटिंग बी, इट इज एफ एम माइनस एफ एम, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज जीरो। दिस पॉइंट इज जीरो, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज बेसबैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल। अगर आपको बोला जाए कि सिग्नल बेसबैंड में सिग्नल स्पेक्ट्रम कैसा है, तो दिस इज बेसबैंड सिग्नल, ठीक है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पासबैंड सिग्नल, जब आपने इसको मॉड्यूलेट कर दिया, मॉड्यूलेट करने के बाद क्या होगा, यू विल गेट स्पेक्ट्रम लाइक दिस। यही होता है ना मॉड्यूलेशन का मीनिंग, कि एक बार आपने इसको कहां शिफ्ट कर दिया, प्लस एफसी पे शिफ्ट कर दिया, और एक बार इसको कहां शिफ्ट कर दिया, माइनस एफसी पे शिफ्ट कर दिया। सो व्हाट आई कैन से, इफ इट इज शिफ्टेड टू प्लस एफसी एंड माइनस एफसी, तो इस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे पासबैंड रिप्रेजेंटेशन। पासबैंड मीन्स जो आपको फ्री स्पेस में जो सिग्नल मिलने वाला है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल स्पेक्ट्रम। सो आई कैन से दिस इज
मॉड्यूलेटेड सिग्नल स्पेक्ट्रम। And also known as pass band. Baseband means a signal without modulation. Pass band means signal with modulation. है ना? ये क्योंकि मैं अब सारी definition baseband और pass band के term में देने वाला हूं। देखो अब क्या मतलब समझे आप। What do we understand by प्री एनवलप? है ना, द फर्स्ट टॉपिक इज प्री एनवलप। प्री एनवलप, प्री एनवलप का मतलब समझे, वन साइडेड स्पेक्ट्रम of pass band is known as pre-envelope। किसको बोलेंगे? वन साइडेड स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि इस स्पेक्ट्रम के दो प्री एनवलप बन सकते हैं। एक प्री एनवलप किसके लिए बन सकता है? फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं बोल सकता हूं जी प्लस ऑफ एफ, है ना, फॉर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये एक प्री एनवलप है। और दूसरा प्री एनवलप कौन सा बन सकता है? फॉर द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। आई कैन राइट दिस इज ए जी माइनस ऑफ एफ। ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द वन साइडेड स्पेक्ट्रम। तो पासबैंड में वन साइडेड स्पेक्ट्रम ऑफ पासबैंड इज नोन एज प्री एनवलप। तो एक बात का ध्यान रखें कि प्री एनवलप हमेशा कहां शिफ्टेड है? एफसी पे शिफ्टेड है। देखो अभी तक हमने किया क्या है, अभी तक किया हमने ये है कि किसी पासबैंड सिग्नल को बेसबैंड की टर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब इसका हम रिवर्स सोचने वाले हैं कि किसी पासबैंड, किसी बेसबैंड सिग्नल को किसकी टर्म में बताएंगे? पासबैंड की टर्म में बताएंगे। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एनवलप एंड कॉम्प्लेक्स एनवलप। तो आप समझ गए कि पासबैंड में किसी सिग्नल के एक साइड बैंड को रिप्रेजेंट कर देना इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप। कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप और प्री एनवलप। सो यू व्हाट आर टू प्री एनवलप्स हियर? बट आप ध्यान रखें, प्री एनवलप्स आर ऑलवेज शिफ्टेड ऑन एफसी फ्रीक्वेंसी, करियर फ्रीक्वेंसी पे ही शिफ्ट होंगे। सो दिस इज लेट से एग्जाम्पल नंबर वन। सो there are two pre-envelopes envelopes of example number 1 are g plus of f, pre-envelope for pre-envelope for positive frequencies of passband, and another one is g minus of f, and g minus of f can be written as, this can be written as pre-envelope pre-envelope for negative frequency of passband. क्या ये बात समझ में आई कि पासबैंड में जो आपको दोनों पासबैंड में जो आपको दिखते हैं दोनों पासबैंड में जो दोनों आपको स्पेक्ट्रम दिखते हैं, अगर उस वन साइडेड स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर लिया जाए, तो अगर वो वन साइडेड स्पेक्ट्रम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए है तो हम उसको बोलने वाले हैं प्री एनवेलप, और अगर वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए है तो उसको हम बोलेंगे प्री एनवेलप फॉर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम हर एक चीज को डिफाइन करते चल रहे हैं कि इसको बोलेंगे प्री एनवेलप फॉर द
पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज एंड दिस इज प्री एनवेलप फॉर द नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। थोड़ा और आगे चलते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एनवेलप। कॉम्प्लेक्स एनवेलप ये वो है टॉपिक है जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स एनवेलप। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एनवेलप? कॉम्प्लेक्स एनवेलप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसबैंड सिग्नल। कैन आई से दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसबैंड सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ, एज ए फंक्शन ऑफ पास बैंड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स एनवेलप। कि भाई जो स्पेक्ट्रम मुझे कहां दिख रहा है, जो स्पेक्ट्रम मुझे दिखता है FC पे, दैट इज नोन एज प्री एनवेलप, और जो स्पेक्ट्रम मुझे दिखेगा जीरो पे सेंटर, दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज कॉम्प्लेक्स एनवेलप। कॉम्प्लेक्स एनवेलप का मतलब यहां क्या हुआ, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉम्प्लेक्स एनवेलप? कॉम्प्लेक्स एनवेलप विल लुक्स लाइक दिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो है ना, आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट तो बड़ा क्लियर कर लेना है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज, एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियरिटी से आपको समझ में आना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया जब भी आपसे बात की जाएगी कॉम्प्लेक्स एनवेलप की, तो वो किसी ऐसे सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है जो कहां सेंटर्ड है, जीरो पे सेंटर्ड है, जो सिग्नल है आपका बेसबैंड सिग्नल। और जब भी बात की जाएगी प्री एनवेलप की, मींस प्री एनवेलप इज ए सिग्नल विच इज सेंटर्ड एट FC फ्रीक्वेंसी। तो ये दो बात बड़ी क्लियरिटी से आप समझ जाएं कि प्री एनवेलप मींस अ सिग्नल विच इज सेंटर्ड एट FC फ्रीक्वेंसी, एंड कॉम्प्लेक्स एनवेलप मींस अ सिग्नल विच इज सेंटर्ड एट जीरो फ्रीक्वेंसी। चलो हम प्री एनवेलप बना के देखते हैं। सपोज प्री एनवेलप पोस्ट एनवेलप, हम प्री एनवेलप कॉम्प्लेक्स एनवेलप किसके लिए बना के देखते हैं, एक मैं आपको बना के बताता हूं, और किसके लिए बना के बताता हूं, DSB-SC सिग्नल के लिए बना के देखते हैं। लेट्स से प्री द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एनवेलप को देखते हैं हम, कि लेट्स से मेरे पास कोई सिग्नल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एनवेलप। अब आइडिया क्या है कि पासबैंड में एक तरफ का जो स्पेक्ट्रम है इधर एट सेंटर्ड एट FC फ्रीक्वेंसी और सेंटर्ड एट माइनस FC फ्रीक्वेंसी, एक तरफ के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, द प्री एनवेलप फॉर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, और एक तरफ के एनवेलप को, एक तरफ के सिग्नल को क्या बोलते हैं हम, प्री एनवेलप फॉर द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम दोनों को बना के देखते हैं, एग्जाम में दोनों के पूछे जाने की चांसेस हैं, जरा देखते हैं। सो प्री एनवेलप फॉर, प्री एनवेलप, प्री एनवेलप फॉर, प्री एनवेलप फॉर DSB-SC, और DSB-SC को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 5T। आप ध्यान रखें किसके लिए बना रहे हैं हम, DSB-SC। DSB-SC आप किसी के लिए भी बना सकते हैं, दोनों तरीके आपको समझ में आएंगे, जरा देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। मैंने आपको बोला कि एक सिग्नल है मेरे पास, लेट से बेसबैंड सिग्नल है कुछ ऐसा, लेट से दिस इज माय बेसबैंड सिग्नल, है ना, और बेसबैंड सिग्नल कुछ दिखता है ऐसा, आप कुछ भी ले सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज FM, दिस इज माइनस FM, ये मेरे पास कोई बेसबैंड सिग्नल है, ठीक है। अब इसको आपने क्या किया, योर हाउ यू जनरेट DSB-SC, यू से दैट phi ऑफ t कैन बी मैसेज मल्टीप्लाइड बाय करियर cos ऑफ ωCT। तो क्या होगा इसका स्पेक्ट्रम, इसका स्पेक्ट्रम ऐसा होगा, देखें जरा कि अगर मुझे इसका पासबैंड सिग्नल बनाना है तो आई कैन से whenever message is multiplied by carrier, if this is multiplied by cos ωCT, what will be the resultant? Resultant ये हुआ कि इस सिग्नल को एक बार आप प्लस FC पे शिफ्ट कर दोगे, एक बार इस सिग्नल को माइनस FC पे शिफ्ट कर दोगे। So can I say, I will shift this signal
एट प्लस एफ सी एंड आई विल शिफ्ट दिस सिग्नल एट माइनस एफ सी, दैट्स फाइन. एंड हाउ इट विल लुक्स लाइक, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको. कैन आई से प्लस एफ सी पे यहां हो जाएगा एफ सी, दिस इज एफ सी प्लस एफ एम, दिस इज एफ सी माइनस एफ एम. ट्रायंगुलर वाले केस से मैंने बता दिया, इस बार अलग केस ले लिया है ना, ये ऐसा बना दिया. कैसा भी आप सिमेट्रिकल सिग्नल बना सकते हैं. और यही सिग्नल माइनस एफ सी पे शिफ्ट होगा तो कितना बन जाएगा, दिस सिग्नल विल बी माइनस एफ सी, माइनस एफ सी प्लस एफ एम एंड दिस इज माइनस एफ सी माइनस एफ एम. यहां तक का कॉन्सेप्ट तो वो कॉन्सेप्ट है जो हमको पता है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द स्पेक्ट्रम ऑफ डीएसबी एस सी. डीएसबी एस सी का स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है, तो आप बोलेंगे ऐसा दिखता है. एंड वॉट दिस सिग्नल इज, दिस सिग्नल कैन बी रिटन एज 1/2 एम ऑफ एफ माइनस एफ सी. और ये सिग्नल का वैल्यू कितना होगा, दिस इज 1/2 एम ऑफ एफ प्लस एफ सी. तो एक बार आपने इसको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट किया है, एक बार नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट किया है, और स्पेक्ट्रम लुक्स लाइक दिस. अब आप किसको बोलोगे पॉजिटिव प्री एनवेलप. देखो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए प्री एनवेलप कब होगा, कि जब केवल ये पार्ट रहे और ये पार्ट जीरो हो जाए. ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, देखो ऐसा करने के लिए हमारे पास आइडिया है. और वो आइडिया क्या है, कि लेट से आई एम राइटिंग वन फंक्शन एम प्लस ऑफ टी, या मैं इसको लिख देता हूं लेट से फाइ टी. फाइ टी मतलब कौन सा सिग्नल, फाइ टी मतलब दिस सिग्नल. एक और फंक्शन लेता हूं मैं, फाइ टी मतलब एम टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी. तो एक सिग्नल लिया मैंने कितना, फाइ टी. और दूसरा सिग्नल लेता हूं मैं आयोटा टाइम्स ऑफ फाइ टी, ठीक है, फाइ टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ फाइ टी. और मैंने इस सिग्नल को नाम दिया लेट से फाइ बार ऑफ टी, है ना, ये ऐसा मैंने नाम दे दिया इसको कि फाइ टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ फाइ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी को अगर मैंने जोड़ा, दिस इज फाइ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी. अगर इन दोनों को जोड़ा तो नया फंक्शन जो मिला मुझे फाइ बार ऑफ टी मिलेगा. और अगर इसके स्पेक्ट्रम को जोड़ेंगे तो कितना, फाइ ऑफ एफ प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ फाइ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ विल गिव्स यू व्हाट, विल गिव्स यू फाइ बार ऑफ एफ. बहुत अच्छे. और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कि इस ऑपरेशन करने से कम एक साइड बैंड क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, केवल एक ही साइड बैंड बचेगा. आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस ऑपरेशन. चलो ठीक है भैया, लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, किसी भी सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना है. किस सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आप बोलेंगे फाइटी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना है. चलो भैया बताओ फाइटी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होगा. तो आप तो जानते हैं किसी सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फाइ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डिवाइडेड बाय फाइ ऑफ एफ इज इक्वलेंट टू व्हाट, माइनस आयोटा सिग्नम ऑफ एफ, कि जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आप एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जे से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ जे. पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस जे से, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस जे से मल्टीप्लाई हो जाएगी. कर दो, यही तो है, ये फाई टी है. इस फाई टी से मुझे फाई का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म बनाना है. चलो बना लेते हैं. इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कितना बनेगा, बहुत फंडामेंटल से देख रहे हैं हम, तो आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होगा कि सारा कुछ आंसर देना है मुझे किसकी टर्म में. आई वॉन्ट टू आंसर इट इन टर्म्स ऑफ पास बैंड. तो देखो चलो, इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट आपने क्या बताया, कि सर जो भी सिग्नल है उस सिग्नल को आप क्या कर दें, लेट मी राइट, दिस आर एफ सी फ्रीक्वेंसी, दिस आर माइनस एफ सी फ्रीक्वेंसी, और जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, यू वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय माइनस जे. देखो यही मतलब हुआ ना, एफ ग्रेटर देन जीरो पे माइनस जे से मल्टीप्लाई करना है. तो कैन आई से दिस सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ आयोटा. और जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल अवेलेबल है उसका मल्टीप्लाई करना है मुझे प्लस आयोटा से. चलो कर दिया भैया, हमने एक को कर दिया
प्लस आयोटा से, एक को कर दिया माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई। एंड कैन आई से दिस सिग्नल विल बी फाइ ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। ये सिग्नल कितना होगा? इट इज हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइ टी। कि इस पासबैंड सिग्नल का अगर आप हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको, कोई परेशानी नहीं। आगे क्या बोला है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय जे। अगर इसको आपने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड कैन आई से नाउ माय फंक्शन इज व्हाट? आयोटा टाइम्स ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। अब ये कितना हो गया? जे स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस वन माइनस वन इज प्लस वन, और ये किसके इक्वल हो गया? माइनस वन के इक्वल हो गया। अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप मुझे इन दोनों को जोड़ना है। देखो, दिस सिग्नल इज नोन एज फाई ऑफ टी, दिस इज द पासबैंड रिप्रेजेंटेशन, ये फाई ऑफ टी है। और ये सिग्नल कैसा है? दिस इज आयोटा टाइम्स ऑफ फाई ऑफ टी। अगर इन दोनों सिग्नल को एड किया तो यहां वैल्यू है वन, यहां वैल्यू है माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, और यहां वैल्यू वन और यहां वैल्यू वन कितना हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ वन। सो कैन आई से माय सिग्नल इज द रिजल्टेंट सिग्नल। मैं ऐसा बोलूं, फाई बार ऑफ एफ इज इक्वलेंट टू व्हाट? फाई ऑफ एफ प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ फाई हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट Nothing but looks like this. ये कैसा दिखेगा? ये सिग्नल दिखेगा ऐसा, ठीक है? This is FC, FC plus FM and FC minus FM. ठीक है, ये तो बात हमें समझ में आ गई कि ये क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर वन साइडेड स्पेक्ट्रम इफ इट इज शिफ्टेड टू FC फ्रीक्वेंसी, पासबैंड का वन साइडेड स्पेक्ट्रम इज नोन एज, this is known as pre-envelope, complex pre-envelope, complex pre-envelope. इसको क्या बोलेंगे हम? complex pre-envelope for what? for positive frequency or negative frequency. so this is complex pre-envelope for positive frequency, complex pre-envelope for positive frequency. और इसको आप क्या लिख सकते हो? This is phi plus of t. तो phi plus of t क्या हो गया? This is complex pre-envelope for the positive frequency. लेकिन अगर मुझे कॉम्प्लेक्स एनवेलप की रिक्वायरमेंट है तो इसे किसको कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? मुझे इसको जीरो पे शिफ्ट करना पड़ेगा। बताओ, एक फंक्शन अगर एक फंक्शन मेरे पास एफसी पे अवेलेबल है, उसको जीरो पे ले जाना है तो क्या किया जाए? तो यू कैन से द कॉम्प्लेक्स एनवेलप फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, कॉम्प्लेक्स एनवेलप फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय व्हाट? दिस इज गिवन बाय फाई प्लस ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये सिग्नल कहां चला जाएगा? ये सिग्नल चला जाएगा जीरो पे। क्या ये बात आपको समझ में आई? कि अगर मुझे लिखना था, देखो ये जो सिग्नल था फाई ऑफ टी, ये फाइ ऑफ एफ है, इसका अगर आपने इनवर्स ले लिया तो कितना बन जाएगा? फाइ ऑफ टी बन जाएगा। अब इस फाइ ऑफ टी को अगर मुझे जीरो पे ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, ये सिग्नल खुद कैसा है? एफ सी पे शिफ्टेड है। तो अब अगर ये सिग्नल कितने पे शिफ्टेड है? एफ सी पे शिफ्टेड है, तो माइनस एफ सी पे लाना पड़ेगा इसको, तो कितना? जीरो पे सेंटर्ड हो जाएगा। एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉम्प्लेक्स एनवेलप। इसको क्या बोलने वाले हैं हम? कॉम्प्लेक्स एनवेलप। तो कॉम्प्लेक्स एनवेलप फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी is given by phi of t
प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ फाइ ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय इज इट ओके देखो दिस सिग्नल इज अवेलेबल ऑफ एम ऑफ एफ माइनस एफ सी तो इसको प्लस एफ सी करना पड़ेगा तो कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा माइनस टू पाई एफ सी टी से तो इट इज ई टू द पावर माइनस ऑफ जे टू पाई एफ सी टी एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स एनवेलप तो कॉम्प्लेक्स एनवेलप पूछे तो आपको ये करना है फाइ टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ऑफ टू पाई एफ सी टी अब आप बोलेंगे कि सर इसको कॉम्प्लेक्स एनवेलप क्यों बोला जाता है तो उसका गणित बड़ा क्लियर है कि अगर आप इसको देखें ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी के रिस्पेक्ट में तो ये क्या है दिस इज एनवेलप ये क्या है उसका एनवेलप दैट्स वाई इट इज नोन एज जैसे मैंने बोला आपसे कि ए सी प्लस एम टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी कोई फंक्शन ऐसा है ए सी लेट से एक फंक्शन ऐसा है ए सी प्लस एम टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी और ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी वॉट इज एनवेलप ऑफ दिस ये और अगर ये कॉम्प्लेक्स हो जाए तो क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स एनवेलप तो कॉम्प्लेक्स एनवेलप पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए तो समझ में आ गया अब कॉम्प्लेक्स प्री एनवेलप नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए कैसा होगा कॉम्प्लेक्स प्री एनवेलप नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए लाना हो तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है आप क्या करें कि जो दो एक फंक्शन आपने जोड़ा था प्लस जे किया था उसको आप माइनस जे कर दें माइनस जे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाला पार्ट ऐड हो जाएगा तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कॉम्प्लेक्स एनवेलप फॉर कॉम्प्लेक्स एनवेलप फॉर नेगेटिव फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय व्हाट इट इज फाइ ऑफ टी माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ फाइ एच टी इंटू अगर यहां मल्टीप्लाई किया आपने ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी का तो नेगेटिव में किस फ्रिक्वेंसी का क्योंकि इस बार नेगेटिव पार्ट को जो पार्ट अवेलेबल है माइनस एफ सी पे उसको जीरो पे लेके आना है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे जे टू पाई एफ सी टी एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स एनवेलप फॉर द नेगेटिव फ्रिक्वेंसी क्या ये बात आप समझे कि भैया पासबैंड में आप देखो बहुत क्लियर वर्ड्स में आपको समझना पड़ेगा इसको कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या कि अगर किसी पासबैंड कम्युनिकेशन में अगर मैं वन साइडेड स्पेक्ट्रम की बात करूं तो उस वन साइडेड स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है दिस वन साइडेड स्पेक्ट्रम इज नोन एज प्री एनवेलप और अगर वो नेगेटिव साइड है तो उसको क्या बोलेंगे प्री एनवेलप फॉर द नेगेटिव फ्रिक्वेंसी अब आपने क्या किया समहाउ आपने केवल इस पार्ट को रखा और जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाला पार्ट है उसको एलिमिनेट कर दिया तो उसमें किसका आपने आइडियल फेज शिफ्टर का यूज किया है अब मैंने क्या किया कि फाइ टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ फाइ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी को ऐड किया तो मुझे केवल एक ही तरफ का स्पेक्ट्रम मिला अगर मुझे केवल पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रम मिला तो मैं तो जानता हूं कि पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम है दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्री एनवेलप अगर इसको एफ सी को अगर मैं जीरो पे शिफ्ट कर दूं अगर एफ सी को मैं जीरो पे शिफ्ट कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस एफ सी को जीरो पे शिफ्ट करने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी तो मैंने यही तो बोला है आपको डेफिनेशन में कि बेसबैंड इक्विवेलेंट ऑफ द पासबैंड स्पेक्ट्रम इज नोन एज कॉम्प्लेक्स एनवेलप तो अधिकतर आपसे यही पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स एनवेलप क्या है तो देखो इसका मैंने बेसबैंड इक्विवेलेंट लिख दिया तो ये कहा कितने पे शिफ्ट हो गया जीरो पे तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स एनवेलप पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए कैसा बनेगा तो ये आयोटा इंटू हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इसलिए किया है ताकि ये नेगेटिव साइड बैंड को क्या कर पाए सप्रेस कर दे उसको हटा दे और लाइकवाइज अगर आपको नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए इसको लिखना है तो आप क्या करेंगे कि भाई जहां पॉजिटिव किया था वहां नेगेटिव कर दो तो ये इस बार क्या करेगा पॉजिटिव वाले पार्ट को इलिमिनेट कर देगा तो ये नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स प्री एनवेलप हो जाएगा नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए तो एक कॉम्प्लेक्स प्री एनवेलप हो गया पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए एक हो गया नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए क्या ये बात आपको समझ में आई
यस इट्स इट्स अ आइडिया टू रिप्रेजेंट इट दिस इज द आइडिया टू रिप्रेजेंट अ बेसबैंड सिग्नल इन टर्म्स ऑफ पास बैंड है ना. बेसबैंड सिग्नल को पास बैंड की टर्म में लिखने का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है. सो वी आर राइटिंग इट है ना. ऐसा कुछ होगा नहीं. अभी तक आपने क्या किया है, पास बैंड सिग्नल को लिखा है इन टर्म्स ऑफ बेसबैंड. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ बेसबैंड सिग्नल इन टर्म्स ऑफ पास बैंड. अभी तक क्या करते थे कि आपको अगर मैं बोलता था मॉड्यूलेशन तो आप क्या करते थे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ एम टी. नाउ यू आर डूइंग अपोजिट ऑफ दैट. द मॉड्यूलेटेड एम टी इज ए फंक्शन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल. इनवर्स अप्रोच तो जो भी लोगे उसका इनवर्स अप्रोच तो आएगा ना एक्शन में. क्या ये बात क्लियर है? तो एश बहुत अच्छे. चलो आगे बढ़ते हैं. ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था किसका, कॉम्प्लेक्स एनवेलप एंड कॉम्प्लेक्स प्री एनवेलप. तो आप ध्यान रखें आपसे क्या पूछा है और क्या पूछा है. अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा भी अगर आपको क्लियर है तो ये चीजें तो बड़ी आसान हो गई कि भाई इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एक तरफ के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, एक तरफ के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं इट इज वन साइडेड स्पेक्ट्रम इज नोन एज प्री एनवेलप फॉर द पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी. तो प्री एनवेलप फॉर द पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स एनवेलप होगा. कॉम्प्लेक्स एनवेलप का मतलब क्या समझते हो, अ मैसेज विच इज सेंटर्ड एट जीरो. फिर अगर आपने इस पार्ट को इलिमिनेट कर दिया है, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या समझे आप कि दिस इज कॉम्प्लेक्स एनवेलप फॉर द नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज. अगर इसको आप जीरो पे लेके आए तो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स एनवेलप फॉर द नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज. ये जो फंडामेंटल है कॉम्प्लेक्स एनवेलप का, प्री एनवेलप का. थोड़ा और आगे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. फॉर द लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ क्यूसीएम, कॉम्प्लेक्स एनवेलप एंड प्री एनवेलप फॉर क्यूसीएम. कॉम्प्लेक्स एंड प्री एनवेलप फॉर वॉट, फॉर QCM और QAM, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. चलो देखते हैं QCM के लिए कैसा बनेगा, हाउ इक्वेशन ऑफ QCM लुक्स लाइक. देखो आप एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करो. अगर आपने है ना कोई एक्सप्रेशन को याद कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर आपने किसी एक्सप्रेशन को याद नहीं किया तो फिर देखो चीजें कितनी आसान है. अ मैसेज सिग्नल, अ सिग्नल विच इज सेंटर्ड एट ओरिजन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स, इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स एनवेलप. और जो एफ सी पे सेंटर्ड है दैट इज नोन एज प्री एनवेलप. अब मेरे पास एक सिग्नल है, लेट से फाइटी फाइ ऑफ QCM. कितना था फाइ ऑफ QCM, फाइ ऑफ टी इक्वल टू एम आई इन फेस मैसेज ऑफ टी इन टाइम डोमेन इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस एम क्यू ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी. अब आप बोलेंगे कि सर यहां तो पहले प्लस ले लिया था, तो प्लस ले लिया था तो उसको एम ऑफ माइनस टी कर लो आप, है ना. बट दिस साइन शुड बी माइनस. अगर आप पॉजिटिव प्री एनवेलप और नेगेटिव प्री एनवेलप में इसको अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो फिर अगर माइनस भी है तो इसको, यहां अगर आपके पास प्लस है तो इसको माइनस टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ एम टी कर लो, माइनस एम टी को कुछ और फंक्शन अज्यूम कर लो. सो वी आर राइटिंग द फाई ऑफ टी. एक QCM क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्निक थी हमारे पास, उस टेक्निक के लिए हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स एनवेलप एंड प्री एनवेलप. चलो देखते हैं. कैन आई से फाई ऑफ टी इज इक्वलेंट टू एम I of t, and what is MI of t? MI of t is represent the in phase part of message signal. This is equivalent to e to the power
जे 2 पाई एफ सी टी प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा 2 पाई एफ सी टी डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ क्वाड्रेचर कंपोनेंट इन टाइम डोमेन मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच दिस e टू द पावर जे 2 पाई एफ सी टी और ओमेगा सी टी यू कैन राइट माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा 2 पाई एफ सी टी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा. बहुत अच्छे. और क्या किया जाए, इस जे को अगर ऊपर ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये 1 upon j = -j, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. चलो आगे लिख लेते हैं इसको. कि नहीं से इसको मैं लिख सकता हूं phi of t को, phi of t can be written as m i. अब देखें जरा इसको, ओमेगा e टू द पावर 2 पाई एफ सी टी को अगर मैं कॉमन लेता हूं, e टू द पावर j 2 पाई एफ सी टी डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां कौन सा पार्ट बचा आपके पास, दिस पार्ट इज एम आई ऑफ टी, करेक्ट. यहां से एम आई ऑफ टी और यहां से कितना हो जाएगा, आयोटा टाइम्स ऑफ एम क्यू ऑफ टी. सो दिस इज आयोटा टाइम्स ऑफ एम क्यू ऑफ टी. बहुत अच्छे. एंड यहां से अगर e टू द पावर j माइनस j 2 पाई एफ सी टी कॉमन लिया, एफ सी टी कॉमन लिया तो यहां कितना बचेगा, यू कैन से दिस विल बी एम आई ऑफ t माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ एम क्यू ऑफ t डिवाइडेड बाय 2. ये phi t का वैल्यू आया. बताओ यहां तक कोई परेशानी है क्या, यहां तक कोई परेशानी है. वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्स सिग्नल इन टर्म्स ऑफ प्री एनवेलप एंड कॉम्प्लेक्स एनवेलप. यहां तक कोई दिक्कत, आयुषी तोयेश, कोई परेशानी? नो. अब मुझे बताओ कि ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल कहां सेंटर्ड है, स्पेक्ट्रम का ये पार्ट कहां सेंटर्ड है? तो आप बोलोगे कहां सेंटर्ड है, एफ सी फ्रीक्वेंसी पे सेंटर्ड है ना. दिस इज सेंटर्ड एट व्हाट, कि इसका जो भी स्पेक्ट्रम आएगा दैट स्पेक्ट्रम इज सेंटर्ड एट एफ सी. अगर वो एफ सी पे सेंटर्ड हुआ तो इसको क्या बोलने वाला हूं, दिस इज प्री एनवेलप फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी. ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का प्री एनवेलप है. और अगर यही पार्ट माइनस एफ सी पे सेंटर्ड है तो इसको क्या बोलने वाले हैं हम, दिस इज नोन एज प्री एनवेलप फॉर, दिस इज प्री एनवेलप फॉर नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज. क्या ये बात समझ में आई आपको, इज इट ओके? प्री एनवेलप फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज एंड प्री एनवेलप फॉर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी. अब आप ऐसे नहीं देखना, एक्सप्रेशन वाइज नहीं देखना, आप कैसे देखेंगे, आप देखेंगे ऐसे कि ये सिग्नल कहां सेंटर्ड है. तो अगर आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो दिस इज डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी, यानी ये पूरा जो सिग्नल है ये एफ सी पे सेंटर्ड है. और जो सिग्नल एफ सी पे सेंटर्ड हुआ वो तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे सेंटर्ड है, और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में एक तरफ का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज नोन एज प्री एनवेलप फॉर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, और जो माइनस एफ सी पे सेंटर्ड है दैट इज नोन एज प्री एनवेलप फॉर द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी. क्या ये बात समझ में आई, एम आई और एम क्यू क्या है? अरे भाई, जब ये क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ाया था आपको, तब बताया था कि अगर आपको आपके ट्रांसमिशन को बैंडविड्थ इफिशियंट करना है तो दो पैरेलल हमने मैसेज लिए थे M1 और M2. तो जो कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया था उसको हमने क्या लिख दिया था, इनफेस मैसेज,
और जो उसके क्वाड्रेचर कंपोनेंट के साथ इसके 90 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई किया है उसको क्या लिख दिया मैंने, क्वाड्रेचर लिख दिया। तो एक इनफेस कंपोनेंट है और दूसरा कौन सा है, क्वाड्रेचर कंपोनेंट है ना। क्यू मींस क्वाड्रेचर कंपोनेंट, आप इसको एम वन और एम टू भी लिख सकते हो, वी डोंट केयर। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? यस। अब मेरे पास अगर इस सिग्नल से मुझे क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप से एनवलप बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स एनवलप कितना हो जाएगा, व्हेन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन, व्हेन प्री एनवलप इज गिवन फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। प्री एनवलप अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए दिया है तो देखो कॉम्प्लेक्स एनवलप कितना हो जाएगा, अगर ये शिफ्टेड एस को हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज एम आई टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एम क्यू टी, दिस इज प्री एनवलप। और अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज दी है, अगर प्री एनवलप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए दिया है तब कितना हो जाएगा, यू कैन से कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप, कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप व्हेन कॉम्प्लेक्स एनवलप कॉम्प्लेक्स एनवलप व्हेन प्री एनवलप इज गिवन फॉर नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए दिया है तो देखो ये क्या बताता है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स दिस सिग्नल इज शिफ्टेड टू प्लस एफ सी, तो इसको हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी the complex envelope for, this will be the complex envelope for what, this will be the complex envelope for negative frequency, uske respect mein kitna ho jayega, mit minus iota times of mqt। kya ye baat samajh mein aayi, is it okay? इज इट ओके आयुषी तोयेश बताइए। अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर यहां वन बाय टू का क्या हुआ, तो आप ध्यान रखें द कॉम्प्लेक्स एनवेलप इज टू टाइम्स द टू टाइम्स ऑफ दिस, तो वन बाय टू से टू का मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बी वन। आप ध्यान रखें इट इज ओनली एम आई टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एम क्यू टी और एम आई टी माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ एम क्यू टी, द मैसेज विच इज सेंटर्ड एट, द मैसेज विच इज सेंटर्ड एट एफ सी इज प्री एनवेलप फॉर द पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, द मैसेज सेंटर्ड एट जीरो इज इक्वलेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनवेलप हैविंग प्री एनवेलप एट एफ सी। और इसका उल्टा क्या कि अगर जो माइनस एफ सी पे स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उसका इक्वलेंट अगर आप जीरो पे बना दोगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स एनवेलप है, लेकिन किसके करस्पॉन्डिंग, वो नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग है। क्या ये बात आपको समझ में आई, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लेकिन पूछा जाता है, इज इट ओके तोयेश बताइए भाई। यस चलो अगर ये समझ में आया आपको तो वी कैन स्टार्ट, वी कैन सॉल्व वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। इसको मैं फिर से बताता हूँ, देखो एक बार और समझने की कोशिश करो कि व्हाट वी डिड इन दिस कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने क्या किया
अभी तक जो हमने मॉड्यूलेशन पढ़ा उसमें क्या करने की कोशिश की है हमने, वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट अ पास बैंड सिग्नल, अ पास बैंड सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ बेस बैंड सिग्नल. व्हाट इज रिवर्स ऑफ दैट? क्या कर दें आप कि एक बेस बैंड सिग्नल को रिप्रेजेंट करें एज ए फंक्शन ऑफ पास बैंड. मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट, हम ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको याद रखें, वी आर रिप्रेजेंटिंग एम टी एज ए फंक्शन ऑफ बेसबैंड सिग्नल को बताने की कोशिश कर रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ पास बैंड. अब क्या इसके लिए क्या किया जाए? अब इसके लिए हमने नाम दे दिए कि जो स्पेक्ट्रम पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे सेंटर्ड है, एफसी पे सेंटर्ड है, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप फॉर व्हाट? दिस इज कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप फॉर पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप फॉर व्हाट? जो FC पे सेंटर्ड है वो हमेशा प्री एनवलप बनाएगा. कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप फॉर नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, ये भी ठीक है. अब मुझे क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप को रिप्रेजेंट करना है एज ए फंक्शन ऑफ DSBSC. क्या किया जाए? अब यहां काम करेगा आइडियल फेज शिफ्टर. तो हमने क्या किया कि एक फंक्शन लिया फाइव बार ऑफ टी, और फाइव बार ऑफ टी को क्या बताया है कि लेट से दिस इज समेशन ऑफ फाइव टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ फाइव टी. तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लिया इसका, तो क्या पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को आयोटा से मल्टीप्लाई करता है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करता है, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करता है. फिर आपने इसमें एक जे का और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस वन, ये हो गया प्लस वन. तो क्या देखा आपने कि ये फ्रिक्वेंसी, ये जो स्पेक्ट्रम है ये एड हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इसका मतलब क्या कि ये मुझे क्या बताएगा, दिस विल रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स प्री एनवलप फॉर द पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी. अगर मैंने फाइव टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ को एड कर दिया, और अगर देखें अगर इसी के अगर मुझे नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे प्री एनवलप की रिक्वायरमेंट है, तो साइन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. अब क्या करना है आपको, जरा आप देखें. अब क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम है विच इज सिचुएटेड एट एफ सी, तो एफ सी है तो ये कैसा है, ये एफ सी है, तो दिस सिग्नल इज समवॉट एम ऑफ एफ माइनस एफ सी. इस सिग्नल में किसका मल्टीप्लाई कर किया जाए कि ये जीरो पे सेंटर्ड हो जाए, तो ऑफकोर्स आप बोलोगे कि इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो इसमें एफ सी एड कर पाए. और आप जानते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म की ई टू दी पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस एफ सी हो जाएगा, तो कहां सेंटर्ड हो जाएगा, जीरो पे सेंटर्ड हो जाएगा. तो बिल्कुल ठीक है कि अगर अब मैंने इसको जीरो पे सेंटर्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास कॉम्प्लेक्स एनवलप. और अगर यहां देखें, अगर सपोज मुझे फाइव टी को ही रिप्रेजेंट करना है, देखो इसको कॉम्प्लेक्स एनवलप क्यों बोला है, अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स फाइव ऑफ टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ फाइव हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, ठीक है, ये सिग्नल है इनटू ई टू द पावर माइनस ऑफ जे टू पाई एफ सी टी, ये मेरे पास सिग्नल है जो कहां अवेलेबल है. अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ फाइव टी का एनवलप बताओ, तो आप क्या बोलोगे, फाइव टी सिग्नल का एनवलप करना है, मतलब इसमें किसने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ई टू द पावर जे, ये तो जीरो पे शिफ्टेड है ना, अगर इसको ई टू दी पावर जे टू पाई एफ सी टी पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल, और इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ दिस इज द कॉम्प्लेक्स एनवलप. ये क्या बताता है, एनवलप बताता है, जो ई टू दी पावर जे टू पाई एफ सी टी के बाहर लिखा है वो क्या है, इसका एनवलप है. तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बेसबैंड सिग्नल लिखा है इन टर्म्स ऑफ पास बैंड, तो ये क्या बताए, दो इसने कॉम्प्लेक्स एनवलप, एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के करस्पोंडेंट, एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के करस्पोंडेंट. अगला देखें कि अब मेरे पास एक सिग्नल है विच इज
क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग, ये मॉड्यूलेशन स्कीम हमने पढ़ी थी कि दिस इज अगेन वन बैंडविड्थ इफिशियंट मॉड्यूलेटिंग स्कीम। ये कौन सा है बैंडविड्थ इफिशियंट है कि यहाँ भी अगर आपको MIT और MQT दो अगर इंडिपेंडेंट फिजिकली इंडिपेंडेंट अगर मैसेज है और सेम बैंडविड्थ के हैं तो हाफ बैंडविड्थ का यूज करके आप दोनों को ट्रांसमिट कर सकते हो। हाफ बैंडविड्थ का यूज करके दोनों को ट्रांसमिट कर सकते हो तो हमने इसको डिवाइड किया और डिवाइड करके ऐसा फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको यह देखना है कि दिस अगर ये सिग्नल है तो ये कहां सेंटर्ड है, प्लस FCT पे सेंटर्ड है। और मैंने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कॉम्प्लेक्स एनवेलप की कि पॉजिटिव प्री एनवेलप मल्टीप्लाइड बाय e^-jωCT। तो इसमें e^-jωCT का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनवेलप मिल जाएगा। और अगर वो नेगेटिव पे शिफ्ट है तो e^(j^2πfct) का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, प्री एनवेलप मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें 1/2 मतलब दिस स्पेक्ट्रम मल्टीप्लाइड बाय 2 इज कॉम्प्लेक्स प्री एनवेलप। अब आगे देखें तो इसका कॉम्प्लेक्स एनवेलप प्री एनवेलप कितना, कॉम्प्लेक्स एनवेलप कितना हो गया, अगर आपको पॉजिटिव प्री एनवेलप दिया है तो इट इज गिवन बाय MIT प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ MQT, और अगर नेगेटिव प्री एनवेलप दिया है तो दिस कैन बी MIT माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ MQT। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एनवेलप एंड कॉम्प्लेक्स एनवेलप। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि प्री एनवेलप और कॉन्सेप्ट पे, और प्री एनवेलप और कॉम्प्लेक्स एनवेलप में का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। जरा देखें, आई हैव वन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज दिस, अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्वेश्चन अटेम करना बहुत जरूरी है, इस पे नया टॉपिक है, होपफुली आपने सेमेस्टर में नहीं पढ़ा होगा। अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय अब ध्यान रखो, देखो क्या बोला है उसने स्टार्टिंग में, अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब पास बैंड की बात कर रहा है। अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय व्हाट, ST इक्वल टू इट इज गिवन बाय e^-at इंटू कॉस ऑफ ωc प्लस डेल ओमेगा into t into ut। ठीक है, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया है, उसने बोला है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऐसा दिखता है ना, कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम है ये कुछ नहीं बताया है। और क्या बोला है, वेयर ओमेगा सी एंड डेल ओमेगा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, ओमेगा एंड डेल ओमेगा आर पॉजिटिव, ओमेगा सी एंड डेल ओमेगा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, दीज आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। और क्या बोला है, और ये बोला है कि ओमेगा सी इज मच ग्रेटर देन डेल ओमेगा, ओमेगा सी जो है डेल ओमेगा से बहुत बड़ा है। ठीक है, देन फाइंड द कॉम्प्लेक्स एनवेलप ऑफ, फाइंड द कॉम्प्लेक्स एनवेलप ऑफ, एनवेलप ऑफ ST का कॉम्प्लेक्स एनवेलप कितना हो। चलो, सो गुड क्वालिटी क्वेश्चन। अब है ना, आपको देखते से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या दिया है आपको, ये दिया है आपको प्री एनवेलप, है ना। चलो बताइए कैसे निकालेंगे आप इसको। ये प्री एनवेलप दिया है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी,
बोलो भैया बोलो। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं इसको। देखो जरा इसको इसको कैलकुलेट करने के तरीके देखते हैं। सबसे पहले तो क्या आपको ये समझ में आता है कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स एनवेलप फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। या आप ऐसा देखें कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एनवेलप, कैन आई से द कॉम्प्लेक्स एनवेलप इज गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स एनवेलप द कॉम्प्लेक्स एनवेलप ओमेगा सी और डेल ओमेगा में भी है ओमेगा एम योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो अगर ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए कॉम्प्लेक्स एनवेलप है तो कितना मतलब होता है इसका, दिस इज एस ऑफ टी, हमारी टर्म्स में बोले तो फाई ऑफ टी, पर यहां मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस टी दे रखा है तो हम एस टी ले लेते हैं, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एस हिलबर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इन टू ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी। ये है मेरे पास एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स एनवेलप व्हेन प्री एनवेलप इज गिवन फॉर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये प्री एनवेलप में ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा टर्म कब आ सकता है, तभी आ सकता है ना जब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव प्री एनवेलप हो, है ना। एफ सी प्लस एफ एम कंपोनेंट कब आएगा, व्हेन वी आर कंसिडरिंग द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। द आंसर इज एज सिंपल एज दैट। नाउ कैन आई से एस टी इज गिवन, कैन आई फाइंड हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एस टी। सो वॉट इज हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एस टी, द डेफिनेशन ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इज वी आर शिफ्टिंग एवरी कंपोनेंट बाय माइनस 90 डिग्री। सो कैन यू टेल मी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी को ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री। सो दिस कैन बी रिटन एज ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी इन टू साइन ऑफ ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इंटू टी इंटू यू टी। इज इट ओके? अरे इसमें एक ही तो है जिसका जिसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, वो कॉस का साइन। तो हमने देखो कर दिया कॉस का साइन। इज इट ओके? क्या ये बात ठीक है? और भी तरीके, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। तो इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, अब करना क्या है आपको, आपको करना है एस टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। तो देखो ई टू द पावर, सो यू कैन से द कॉम्प्लेक्स एनवेलप इज गिवन बाय दिस एस टी। एस टी इज व्हाट, ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इंटू टी इंटू यू टी प्लस प्लस व्हाट वी हैव द आयोटा टाइम्स ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। प्लस आयोटा टाइम्स मींस जे इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी एंड दिस इज साइन ऑफ दिस कंप्लीट सिग्नल ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इंटू टी इंटू यू ऑफ टी। बहुत अच्छे, ये तो हो गया मेरे पास किसका वैल्यू, कॉम्प्लेक्स एनवेलप का। और इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करना है किसका, ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी का। यही होता है ना, ये एस टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एस टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी। चलो यहां देख लेते हैं, ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी इज कॉमन, यू टी इज कॉमन, और ये क्या बनता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैन बी रिटन एज ई टू द पावर जे ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा
इंटू टी एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट ई टू द पावर माइनस ऑफ 2 पाई एफ सी को मैं लिख देता हूं ओमेगा सी। देखो आप ध्यान रखें 2 पाई डेल ओमेगा कभी नहीं लिखना, सिग्नल तो वही लिखना पड़ेगा ना वो किसके अक्रॉस सेंटर्ड है, तो सिग्नल तो एफ सी पे ही सेंटर्ड होता है, एफ सी को आप ग्राउंड पे ला रहे हैं। तो क्या देखेंगे इसका कॉम्प्लेक्स प्री कॉम्प्लेक्स एनवेलप कितना बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए टी एज इट इज इंटू यू टी एंड वॉट अबाउट दिस ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी कैंसल एंड रिमेनिंग फंक्शन इज ई टू द पावर जे डेल ओमेगा टी एंड दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स एनवेलप करस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज। पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज के अक्रॉस कॉम्प्लेक्स एनवेलप बनेगा वो कैसा बनेगा ऐसा, एक तरीका तो ये। अब मैं एक तरीका, क्या ये तरीका समझ में आया आयुषी तोयेश, इज इट ओके, क्या ये तरीका आपको समझ में आया कि देखो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए क्या करना है, फाइव टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ फाइव टी, वाई आयोटा टाइम्स ऑफ फाइव टी टू इलिमिनेट द नेगेटिव साइड बैंड इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी, वाई इट इज ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी बिकॉज वी वॉन्ट टू शिफ्ट दैट मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑन जीरो, अगर उसको जीरो पे शिफ्ट किया तो ही तो वो बनेगा कॉम्प्लेक्स एनवेलप, अदरवाइज तो क्या था वो प्री एनवेलप था। क्या ये बात समझ में आई तोयेश एंड आयुषी, बताएं जरा। बताएं जरा जल्दी बताएं। अच्छा पॉजिटिव कैसे होगा ये बता देते हैं। मुझे बताओ कि जब आप इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे तो ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा कहाँ दिखेगा आपको, व्हेन यू आर हैविंग द स्पेक्ट्रम एट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और एट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके समझ में आ गया आयुषी, इज इट ओके, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं दूसरा तरीका, दूसरा तरीका भी है सेम क्वेश्चन को अप्रोच करने का। दूसरा तरीका क्या कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं, देखो कैसे। सिग्नल दिया है मेरे पास फाई ऑफ टी, एस ऑफ टी इक्वल टू व्हाट ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इंटू टी इंटू यू टी, ये एक सिग्नल दिया है मेरे पास, फाइन ये एक सिग्नल है। मैं क्या करता हूं, लेट्स रिप्रेजेंट दिस सिग्नल इन टर्म्स ऑफ क्यूसीएम, कन्वर्ट कर देते हैं, देखो कितना दिखेगा ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी एस टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी इंटू यू टी, दिस इज एज इट इज एंड आई कैन राइट द इक्वेशन फॉर कॉस ए प्लस बी। तो कितना होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बहुत अच्छे। अब जरा आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी फाई ऑफ टी इक्वल टू एम आई टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस एम क्यू टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी, यही तो है। अब इसमें आपको ये क्लियरली देखना पड़ेगा कि क्या मैसेज क्या कैरियर, तो ओमेगा सी कैरियर है, डेल ओमेगा क्या है वो मैसेज का बैंडविड्थ बता रहा है। अब कर दो कंपेयर कि कॉस ओमेगा सी टी का जो भी मल्टीपल है वो एम आई टी बनाएगा, चलो बना दो एम आई टी, कितना हो गया इट इज ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ डेल ओमेगा, और साइन ओमेगा सी टी का जो भी मल्टीपल है वो बनाएगा एम क्यू टी। तो बताओ एम क्यू टी का वैल्यू कितना हो गया, एम क्यू टी विल बी वॉट ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू टी इंटू साइन ऑफ डेल ओमेगा, बहुत अच्छे। अगर एम आई टी और एम क्यू टी इन फेस मैसेज कंपोनेंट और क्वाड्रेचर मैसेज कंपोनेंट अगर आपके पास अवेलेबल है
So what is my idea of complex envelope? The idea for complex envelope is this. MIT plus iota times of MQT will be the complex envelope. तो जरा कर दें इसको लिख दें. Can I say the complex envelope will be the complex envelope will be MIT e to the power minus AT into UT and this is what cos of del omega plus iota times of MQT plus iota times of sin del omega and can I say this can be written as e to the power minus AT into UT and cos theta plus iota sin theta is e to the power j delta omega t. Of course t is there and this is complex envelope. जैसे चाहे वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या ये बात आप समझे हैं? इज इट ओके? ठीक है आयुषी, तोयेश, क्लियर हुआ? देखो आप कन्वर्ट कर सकते हो ना. मैंने आपको यही बताया कि जैसे अगर मैंने बोला आपको कि सम मैसेज इज गिवन इन दिस फॉर्म एम आई ऑफ कॉस ओमेगा सी टी माइनस एम क्यू ऑफ कॉस ओमेगा सी टी, इसका मतलब क्या समझे आप कि दिस पार्ट इज शिफ्टेड एट प्लस ओमेगा सी एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो शिफ्टेड एट प्लस ओमेगा सी. अगर आपने मैसेज को इस फॉर्म में भी लिख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि जो e टू दी पावर जे ओमेगा सी टी को के साथ मिला के है दैट इज द प्री एनवेलप फॉर्म और उसको e टू द पावर जे ओमेगा सी टी को आपने रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स एनवेलप. ऐसा तो आप कर ही सकते हैं ना. हमने कोई क्यू एम टेक्निक में कन्वर्ट नहीं किया है उसको. हमने ये बोला कि देखो भाई कोई फंक्शन अगर ऐसा है ना तो हम उसको डिकम्पोज करके ऐसा लिख सकते हैं. तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि दिस फंक्शन इज सेंटर्ड एट एफ सी फ्रिक्वेंसी. तो एफ सी फ्रिक्वेंसी वाले पार्ट को हटा दे तो क्या मिल जाएगा मुझे? कॉम्प्लेक्स एनवेलप मिल जाएगा. हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, हमने उसको मिलाने की कोशिश की है कि देखो अगर मैं ये एक तरीका तो क्या हो गया कि आप सिग्नल निकालें, उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालें, आयोटा का मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ें और फिर उसको शिफ्ट कर दें जीरो पे, शिफ्ट कर दें जीरो फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट कर दें. तो अभी हमने प्री कॉम्प्लेक्स एनवेलप कैसे निकाला कि वन सिग्नल इज अवेलेबल एट एफ सी फ्रिक्वेंसी एंड वी आर ब्रिंगिंग इट बैक ऑन जीरो फ्रिक्वेंसी. दूसरा तरीका क्या कि आप सिग्नल को लिख ही दो ना एफ सी फ्रिक्वेंसी पे. तो एफ सी फ्रिक्वेंसी पे अगर मैं उसका रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं सिग्नल का तो हाउ सिग्नल विल लुक्स लाइक. ये देखो सिग्नल ये एफ सी फ्रिक्वेंसी पे, ये एफ सी फ्रिक्वेंसी पे. अगर इसको देखा हमने तो दोनों समझ में आया कि हमको एफ सी फ्रिक्वेंसी पे क्या है. अब इस बार हम क्या कर रहे हैं कि एफ सी वाले पार्ट को अलग कर दे रहे हैं. तो एम आई टी और एम क्यू टी मिल गया और एम आई टी और एम क्यू टी अगर इनफेस मैसेज कंपोनेंट और क्वाड्रेचर मैसेज कंपोनेंट मिल गया तो हम वहां से भी तो लिख सकते हैं कि एम आई टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एम क्यू टी विल गिव यू द कॉम्प्लेक्स एनवेलप. इज इट ओके आयुषी? दोनों तरीके हैं कि एक बार आप क्या करें, यू कैन ब्रिंग योर पास बैंड स्पेक्ट्रम टू द जीरो और बाई लुकिंग एट पास बैंड स्पेक्ट्रम यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ एम आई टी एंड एम क्यू टी एंड जस्ट राइट इट एम आई टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एम क्यू टी विल गिव यू द स्पेक्ट्रम द कॉम्प्लेक्स एनवेलप. ओके आई हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड लेट्स सी. The question is this. ये सारे previous year ही हैं, आप समझें कि ये पूछा गया है ना, इस important topic, इसको आप इसे छोड़ नहीं सकते. और अभी 2015 में भी पूछा है इससे पहले, एन important concept कि अभी तक पूछा जा चुका है कि पास बैंड को बेस बैंड की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका उल्टा क्या. यू आर रिप्रेजेंटिंग बेस बैंड इन टर्म्स ऑफ पास बैंड एंड दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनवेलप और प्री एनवेलप. चलो देखते हैं द कॉम्प्लेक्स एनवेलप ऑफ बैंड पास सिग्नल. ध्यान से करें इसको, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू ओनली. इस बार इसका आंसर मैं नहीं बता रहा है ना. द कॉम्प्लेक्स एनवेलप
द कॉम्प्लेक्स एनवलप ऑफ बैंड पास सिग्नल ये एक बैंड पास सिग्नल है. बैंड पास सिग्नल मतलब क्या? दिस सिग्नल इज सेंटर्ड एट पास बैंड सिग्नल है ना. इट इज गिवन एज माइनस ऑफ अंडर रूट टू साइन ऑफ पाई टी बाय फाइव डिवाइडेड बाय पाई टी बाय फाइव, ठीक है, इंटू साइन ऑफ पाई टी माइनस पाई बाय फोर. दिस इज गेट 2015 टू मार्क क्वेश्चन है ना. अब पूरा एनालॉग कम्युनिकेशन ही चार पांच नंबर का है और उसमें से दो नंबर का अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको नहीं छोड़ सकते. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना. माइनस अंडर रूट टू साइन पाई टी बाय फाइव डिवाइडेड बाय पाई टी बाय फाइव इंटू साइन ऑफ पाई टी माइनस पाई बाय फोर सेंटर्ड एट सेंटर्ड अबाउट एफ इक्वल टू वन बाय टू हर्ट्ज. इट इज सेंटर्ड अबाउट वन बाय टू हर्ट्ज. ये सेंटर्ड है वन बाय टू हर्ट्ज के अबाउट सेंटर्ड है. देन इसका कॉम्प्लेक्स एनवेलप कैसा होगा? चलो बताओ. ऑप्शन दिए हैं चार बट आई एम नॉट गिविंग यू द ऑप्शन. आप कॉम्प्लेक्स एनवेलप बताएं इसका कैसा होगा. हाउ विल यू कैलकुलेट इट? यस आई वॉन्ट आंसर. जल्दी करें. देखो ये तो समझ में आ जाना चाहिए. इफ सिग्नल इज सेंटर्ड एट 1 बाय 2 हर्ट्ज इसका मतलब ये दिया हुआ है कि भैया जो 1 बाय 2 हर्ट्ज है वो करियर है और इसको छोड़ के जो भी फ्रीक्वेंसी है वो बेसबैंड सिग्नल है आपका, है ना. चलो करो करो भैया.
हाँ जी इसको आपको देख के समझ में आना चाहिए कि दिस पार्ट ऑफ द सिग्नल इज, देखो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, पाई टी. सो यू कैन से 2πf इक्वल टू पाई टी 2πf इक्वल टू पाई, ओमेगा इक्वल टू पाई दिया है ना इसका, पाई से पाई कैंसल, एफ इक्वल टू 1/2. और आपको ये बोला भी है कि मैसेज इज सेंटर्ड अक्रॉस 1/2, मीन्स 1/2 इज द करियर फ्रीक्वेंसी. और एक और सिग्नल दिया है कितना है, पाई टी बाय 5. सो यू कैन से पाई बाय 5 इक्वल टू 2πf. सो यू कैन से एफ एम, और आई एम राइटिंग इट एफ, पाई पाई कैंसल, एफ इक्वल टू 1/10. सो वॉट आई कैन से, द 0.1 Hz इज बेसबैंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड 1/2 Hz इज करियर फ्रीक्वेंसी. अगर आपने इसको देख के समझ लिया कि ये 1/2 Hz का सिग्नल है और आपको बोला है कि सिग्नल इज सेंटर्ड अबाउट 1/2 Hz, मीन्स ये इसका करियर है और ये इसका मैसेज है, क्योंकि आपके पास जो अल्टीमेटली इक्वेशन है विच इज एम टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, सो यू कैन से दिस कंप्लीट पार्ट रिप्रेजेंट्स एम टी. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस ऑफ ओमेगा सी टी. इज इट ओके? ओके, जरा देखें कैसे करेंगे. कैन आई से एक्स टी कैन बी रिटन एस दिस इज एम टी. सो कैन आई से दिस इज एम टी एंड दिस पार्ट इज साइन ऑफ ए माइनस बी. सो दिस इज साइन ए कॉस बी एंड कॉस पाई बाय 4 इज वॉट 1/√2 माइनस कॉस ए साइन बी. सो कॉस ऑफ पाई बाय पाई टी एंड साइन 45 degrees इज 1/√2. सो यू कैन से यू कैन डिवाइड योर होल पास बैंड इनटू दिस और यही आपका करियर है. और करियर का जो मल्टीपल होगा वो क्या बताएगा आपको, एमआईटी और एमक्यूटी बताएगा. चलो लिख देते हैं. कैन आई से दिस इज एमआईटी डिवाइडेड बाय दिस कैन बी एमटी डिवाइडेड बाय √2 इंटू साइन पाई टी एंड दिस इज माइनस ऑफ एम टी इंटू कॉस पाई टी डिवाइडेड बाय √2.
अब नाउ दिस इज पास बैंड सिग्नल विच इज सेंटर्ड एट दिस टू फ्रीक्वेंसीज. अब हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि दिस इज इक्वल टू एम आई ऑफ टी इन टू कोसाइन ऑफ ओमेगा सी टी माइनस एम क्यू टी इन टू साइन ऑफ ओमेगा सी टी. बहुत अच्छे, बताओ जो कॉस का मल्टीपल है वो एम आई का वैल्यू हो जाएगा. कॉस का मल्टीपल कितना है यार, तो यू कैन से द मल्टीपल ऑफ कॉस इज माइनस ऑफ एम टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू. और साइन का मल्टीपल क्या हो जाएगा, साइन का मल्टीपल हो जाएगा एम क्यू टी. तो बताओ एम क्यू टी का वैल्यू कितना आया, इट इज एम टी डिवाइडेड बाय टू आ गया. अगर दोनों आ गए तो आपको तो पता है व्हाट इज द आइडिया ऑफ, और ये भी कितना हो जाएगा साइन का, इट इज माइनस, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों कितने हो जाएंगे माइनस, करेक्ट. अब आपको पता है व्हाट इज द आइडिया ऑफ प्री एनवेलप कॉम्प्लेक्स एनवेलप, इट इज एम आई टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एम क्यू टी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एनवेलप, करेक्ट. अब एम आई टी और एम क्यू टी को जोड़ दो तो यहां कितना हो जाएगा, इट इज वन बाय अंडर रूट ऑफ टू. सो यू कैन से इट इज वन बाय अंडर रूट ऑफ टू एम टी प्लस आयोटा टाइम टी, तो ये हो जाएगा वन प्लस आयोटा इन टू एम ऑफ टी. अब एम टी कितना लिया था आपने, जरा उसको भी देख ले. एम टी इज नथिंग बट माइनस अंडर रूट टू साइन पाई टी बाई फाइव डिवाइडेड बाई पाई टी बाई फाइव. सो दिस इज माइनस अंडर रूट टू इन टू वन प्लस जे इन टू माइनस वन बाय अंडर रूट टू वन प्लस जे इन टू माइनस अंडर रूट ऑफ टू साइन ऑफ पाई टी बाई फाइव डिवाइडेड बाय पाई टी बाई फाइव. पाई टी बाई फाइव पाई टी बाई फाइव माइनस रूट टू प्लस रूट टू कैंसिल. तो अगर आंसर आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया हो, वन प्लस जे के फॉर्म में ना दिया हो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर स्क्वायर अंडर रूट टू, और एंगल कितना ई टू दी पावर जे पाई बाय फोर. तो आंसर में कुछ ऐसा दिया है आपको, साइन ऑफ पाई टी बाय फाइव डिवाइडेड बाय पाई टी बाय फाइव. अब दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका भी बड़ा सिंपल है, एम आई पॉजिटिव ही होगा. ओके देखो जरा, कॉस का मल्टीपल एम आई है, कॉस का मल्टीपल कितना है, कॉस का मल्टीपल है एम आई टी इज माइनस एम टी बाय रूट टू, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव. अच्छा एक तरीका और है कि देखो भाई, अगर कोई सिग्नल टाइम डोमेन में बनता है साइन टी बाय साइन टी, सैम्पलिंग फंक्शन बनता है, तो फ्रिक्वेंसी में क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर पल्स बनेगी. क्लियर. तो आप क्या करें कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के इसको ड्रॉ कर दें पाई टी फ्रिक्वेंसी पे और माइनस पाई टी फ्रिक्वेंसी पे इसको ड्रॉ करें. फिर इसका लें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में पॉजिटिव पार्ट को जे से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव पार्ट को माइनस जे से मल्टीप्लाई करें, तब भी आपके पास आंसर क्या होगा, दैट आंसर विल बी इक्वलेंट टू दिस ओनली, केवल ई टू दी पावर जे पाई बाय फोर बचेगा. तो मुझे ऐसा, और वो समझ में भी आ गया होगा, अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आप बोलोगे सर आपने इसका तो निकाला ही नहीं ट्रांसफॉर्म. लेकिन आप देखो जरा कि साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ कोसाइन थीटा, तो कितना बन जाएगा ये ई टू दी पावर जे पाई टी. और होता क्या है, कॉम्प्लेक्स एनवेलप ई टू द पावर माइनस ऑफ टू पाई एफ सी टी, तो माइनस ऑफ पाई टी का मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसल है ना, यू कैन गेट बाय ड्रॉइंग स्पेक्ट्रम. तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लेक्स एनवेलप का. तो कॉम्प्लेक्स एनवेलप का एक तरीका तो क्या कि आप कन्वर्ट कर लें उसको साइन कोसाइन में. दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका ये कि डिपेंड करता है कि आपको पासबैंड सिग्नल को बेसबैंड पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा. पासबैंड सिग्नल को अगर आपको बेसबैंड पे लाना है तो ई टू दी पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी से शिफ्ट करना पड़ेगा, और नेगेटिव में है तो ई टू दी पावर जे टू पाई एफ सी टी से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स एनवेलप मिलेगा. तो आई होप दिस इज क्लियर, क्या ये बात समझ में आई. तो कॉम्प्लेक्स एनवेलप ऐसा नहीं है टॉपिक कि आप एक बार पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इससे पहले मोस्ट प्रोबेबली आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको एक बार इसको गो थ्रू करना पड़ेगा. और गो थ्रू करने में जो मेन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं कि अभी तक हमने क्या किया है, वी आर रिप्रेजेंटिंग अ बेसबैंड सिग्नल इन टर्म
पास बैंड एज ए फंक्शन ऑफ बेस बैंड, अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ एम टी. नाउ वॉट वी आर डूइंग इनवर्स ऑफ दैट, वी आर रिप्रेजेंटिंग एम टी एज ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो उसके लिए किसका कॉन्सेप्ट आया, कॉम्प्लेक्स एनवेलप का कॉन्सेप्ट आया. तो कॉम्प्लेक्स एनवेलप का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये स्पेक्ट्रम की एक तरफ का जो स्पेक्ट्रम होता है या तो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी का या नेगेटिव फ्रिक्वेंसी का, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स, प्री कॉम्प्लेक्स एनवेलप. और अगर उसको आपने जीरो पे शिफ्ट कर दिया समहाउ, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स एनवेलप. तो कॉम्प्लेक्स एनवेलप पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए भी आएगा, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए भी आएगा, दोनों सेम बट दोनों से लाया जा सकता है. फिर दूसरा तरीका बताया मैंने कि अगर आपके पास कोई मैसेज ही एफसी पे सेंटर्ड है तो क्या करें कि दिस पास बैंड मैसेज मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफसीटी. क्या मिल जाएगा मुझे, ये प्री एनवेलप, प्री एनवेलप में ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफसीटी का मल्टीप्लाई किया तो मिल जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स एनवेलप. सो अगेन दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर बेस बैंड सिग्नल इन एज ए फंक्शन ऑफ पास बैंड सिग्नल. और दो हमने जो एग्जांपल देखे थे मैंने दोनों तरीके से बताया आपको कि आप पहला वाला तरीका कि आप क्या करें, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म करके ऐड कर दें या साइन कोसाइन में ब्रेक करके उसको निकाल लें, और दूसरा तरीका ये कि साइन कोसाइन में ब्रेक करके निकाल लें. ये दोनों प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम थे, दो नंबर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो आप समझे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एनवेलप. समहाउ आपको अगर दिमाग में ये क्लियर हुआ कि कॉम्प्लेक्स एनवेलप मीन्स अ मैसेज, अ बेस बैंड मैसेज, बेस बैंड सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ पास बैंड सिग्नल. ओ प्री एनवेलप मीन्स द सिग्नल वन साइड इज स्पेक्ट्रम ऑफ पास बैंड सिग्नल. दिस टू कॉन्सेप्ट, अगर ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है और फूरियर आप जानते हो तो बड़ी आसानी से कर लोगे. क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? यस, चलो इससे आगे मुझे स्टार्ट करना है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर. आज तो टाइम हो चुका है, कल हम स्टार्ट करेंगे. कल हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वीएसबी का, द वेस्टिजियल साइड बैंड, और उसके बारे में क्या कंडीशन है, क्या प्रॉपर्टीज है, उसको पढ़ेंगे. एंड देन वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन की बात करेंगे. एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी और फेज से भी आता ही आता है, आप चाहे पिछली बार का पेपर उठा के देखें या 2010 का पेपर उठा के देखें, हर बार आपको एक क्वेश्चन मिलेगा फ्रीक्वेंसी से, एक मिलेगा एम्पलीट्यूड से. चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल.